हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पोहा बनाने की रेसिपी। तो चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले पोहा में थोड़ा सा पानी डाल के उसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। ध्यान रखो कि ज़्यादा देर पोहा को भिगोना नहीं है, बस थोड़ा पानी डाल के इसे जल्दी से साफ़ कर लेना है। अभी मैंने पानी निकाल दिया है। अब कढ़ाई में मैंने डाला है थोड़ा सा तेल। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी राई। राई थोड़ा चटकने के बाद फिर मैं इसमें डालूंगी कटी हुई हरी मिर्च, प्याज, और थोड़ा सा कड़ी पत्ता। इसे हल्का सा भुनने के बाद इसमें थोड़े से पीनट्स ऐड कर दूंगी। आप अगर चाहो तो पीनट्स पहले भी रोस्ट कर सकते हो, मैंने बाद में डाले हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च। ज़्यादा मसाले नहीं डालने हैं, बस हल्दी और मिर्ची। और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी शुगर, एक टेबल स्पून भी नहीं है ये, बहुत थोड़ी सी है। और थोड़ा सा हरा धनिया। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी पोहा। पोहा को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पोहा को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद लास्ट में इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और आधा कटा हुआ नींबू और इसे मिक्स कर देंगे। और ये पोहा बनके तैयार है। और ऊपर से गार्निश के लिए थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और ये इंस्टेंट पोहा बनके तैयार हो गया। और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार, और ब्रेकफास्ट में तो बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप भी इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।